गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम गुरु। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश ग्रामर में मॉडल एग्री वर्ब का एक्टिव से पैसिव बनाना सीखेंगे। एक्टिव वॉइस अगर है तो उसको पैसिव वॉइस कैसे हम कन्वर्ट करेंगे, आज जो है इस वीडियो में हम लोग ये सारी चीज़ देखेंगे। क्या रूल है इसका, इसके पहले हम लोग जो है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का जो है सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव बनाना सीख गए हैं। आज हम लोग मॉडल एग्जेक्टिव वर्ब का पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे, इसके क्या रूल हैं ये सारी चीज़ हम लोग इसमें देखेंगे। चलो देखते हैं कि इसके कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं कि कैसे इसका जो है पैसिव वॉइस किया जाएगा। सबसे पहले एक आपको एक मैं ट्रिक बताता हूँ, उस ट्रिक को अगर ध्यान दोगे तो आपके सारे जो है कंसेप्ट क्लियर भी हो जाएंगे, आपको समझ भी आ जाएगा। सबसे पहले ये देखो, मॉडल एग्जेक्टिव वर्ब में कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट, ऑट टू और साथ साथ आपके जैसे विल और शैल के साथ भी जो है हम लोग बी का यूज करते हैं, इसलिए हमने इसमें भी उसको हम ऐड कर दिए हैं। याद रखना, अगर कोई पूछे मॉडल एक्चुअली वर्ब कौन कौन से हैं, बताओ कि कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट, ऑट। अगर यह जो है इसका सेंटेंस अगर आपको दिया जाए और इसका पैसिव वॉइस बनाने को कहा जाए, आप कैसे जो है इसका पैसिव वॉइस बनाओगे, तो याद रखना कि जहां पे कैन लगा रहा है किसी सेंटेंस में, या कुड लगा रहे, या मे लगा रहे, या माइट लगा रहे, या शुड लगा रहे, या वुड लगा रहे, तो इसका जो है पैसिव वॉइस हम कैसे बनाएंगे, एक तरीका आपको बताता हूं, एक ट्रिक याद रखना। सपोज जैसे मॉडल के साथ, मॉडल वर्ब के साथ याद रखना, जिस सेंटेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो, कौन सा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो, उसके साथ आप जो है बी का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, बी का यूज करेंगे। और याद रखना, कभी कभी सेंटेंस में आप लोग देखोगे कि कैन रहेगा, मे रहेगा, माइट रहेगा, इसके साथ साथ है भी आता है, तो अगर ऐसे सेंटेंस आ जाए तो उसके साथ देखोगे वर्ब जो है थर्ड फॉर्म लगा रहेगा। अगर थर्ड फॉर्म लगा रहे तो याद रखना, अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया है, याद रखना ये कंसेप्ट, अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया है तो इसके साथ आप किसका यूज करोगे, बी का यूज करोगे। ओके, यही जो है इसका कंसेप्ट है। पहले हम लोग कंसेप्ट को अच्छी तरह समझेंगे, उसके बाद जो है एक्सरसाइज करेंगे। एक बार फिर समझो, जब किसी सेंटेंस में जो मॉडल वर्ब है उसके साथ अगर कोई वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अगर लगा है तो आप जो है केवल बी का यूज करके पैसिव वॉइस बनाओगे, और अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा उस सेंटेंस में तो आप जो है उसमें बिन लगा करके पैसिव वॉइस बनाओगे। जैसे हम एक आध एग्जाम्पल देखते हैं, फिर समझते हैं कैसे होगा इसका। देखो, जैसे आपको ये दिया है, यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अब देखो यहां पे कैन दिया है और सॉल्व, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा है। जब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा रहेगा तो मैंने क्या बताया था, बी का यूज करके इसे हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सबसे पहले आपको बताया था मैं, ऑब्जेक्ट लिखना है, यानी जो ऑब्जेक्ट रहेगा उसको आपको सबसे पहले लिखना है ऑब्जेक्ट, उसके बाद जो वर्ड यहां पे दिया है उसी को, यानी कैन है तो कैन लगाओगे, कैन, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई, उसके बाद सब्जेक्ट। याद रखना, यहां पे कैन के स्थान पे अगर कुड हो, उसके बाद मे हो, माइट, शुड या वुड रहेगा, मस्ट रहेगा या ऑट रहेगा, या यहां पे विल आ जाए या शैल आ जाए, ये पूरे के साथ आप जो है किसका यूज करोगे, बी का, और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाओ कहीं पे भी ऐसे आ जाए। जैसे हम कुछ एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं, जैसे देखो यहां पे दिया है, एक क्वेश्चन है, यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम,
यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट जो है यू हो गया। उसके बाद इमॉडल एक्चुअली वर्ब है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद ये हो गया मेन वर्ब। उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो आपको सबसे पहले क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट है दिस प्रॉब्लम, यानी दिस प्रॉब्लम को हम लोग इसके स्थान पे लिख देंगे, यहां हो जाएगा दिस, दिस प्रॉब्लम हो गया। अब उसके बाद यहां देखो कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगा है, कैन। तो जो कैन लगा है, कैन को ही हम कैन यही लिखेंगे, कैन ही लिखेंगे। ओके, जो सेंटेंस में जो मॉडल वर्ब है एक्चुअली वर्ब, उसी को आपको लिखना है, और उसके बाद बी का यूज करना है। आपको किसका यूज करोगे, बी का। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाओगे, तो सॉल्व है, तो सॉल्व का थर्ड फॉर्म क्या होगा, सॉल्व्ड। ओके, सॉल्व्ड हो जाएगा। उसके बाद क्या है, बाई लगाओगे, उसके बाद यू। ओके, इस तरह जो है इसका हम जो है पैसिव वॉइस बना दिए, इस तरह जो है आपको पैसिव वॉइस बनाना है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, नेक्स्ट में यू मस्ट नॉट टेक द लॉ इन देयर हैंड। अब इसमें क्या है, इसमें भी हम देखेंगे सब्जेक्ट ये हो गया, मॉडल एक्जरी वर्ब है। उसके बाद ये मेन वर्ब हो गया, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। ओके, अब इसको हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आपको लिखना है द लॉ, द लॉ हो गया। उसके बाद क्या लिखना है, जो इसमें मॉडल एक्जी वर्ब आया वही लिखोगे, मस्ट है तो मस्ट ही लिखोगे, मस्ट। उसके बाद नॉट का यूज करोगे, अगर निगेटिव सेंटेंस रहेगा मॉडल एक्जी वर्ब और बी के बीच में नॉट लगाना है। जिन बच्चों को टेंस मालूम होगा उनको मालूम है कि हेल्पिंग वर्ब और बी के बीच में नॉट लगाया जाता है, तो इसलिए आप क्या लगाओगे यहां पे, नॉट। उसके बाद बी लिखोगे, फिर क्या लिखोगे, द लॉ मस्ट नॉट बी टेकन, यहां पे टेक का थर्ड फॉर्म टेकन हो जाएगा, टेकन। उसके बाद इन दियर हैंड, इन दियर हैंड। उसके बाद बाई यू, क्या लिखोगे, बाई यू हो जाएगा। आया समझ में, नेक्स्ट देखो अगला क्या है, जैसे कहा जाए राम, राम माइट लर्न इंग्लिश। अब इसमें क्या लिखोगे, सबसे पहले, सबसे पहले आप जो है ऑब्जेक्ट स्थान पे एक इंग्लिश लिख दोगे, क्या हो जाएगा, इंग्लिश, इंग्लिश हो गया। उसके बाद माइट, माइट हो गया। उसके बाद क्या लगाओगे, बी, ये देख लेना यहां पे जिसका जो मॉडल एक्जी वर्ब रहेगा वही रहेगा, उसके बाद बी लगाना है। उसके बाद हो जाएगा बी। उसके बाद लर्न है, लर्न का थर्ड फॉर्म लर्न। ओके, उसके बाद बाई राम, आगे समझ में। नेक्स्ट देखेंगे, अगर सपोज यहां पे दिया है यू शुड सॉल्व योर प्रॉब्लम, तो इसमें क्या हो जाएगा, यहां पे लिखोगे योर प्रॉब्लम, योर प्रॉब्लम। उसके बाद शुड है तो शुड लिखोगे, उसके बाद बी का यूज करोगे। ओके, उसके बाद सर्व का थर्ड फॉर्म सर्व्ड हो जाएगा, बाय यू। ओके, इस तरह जो इसका पैसिव वॉइस बनेगा। नेक्स्ट है वी आर टू सो रेस्पेक्ट टू आवर टीचर्स। तो अब हमें जो है इसका पैसिव वॉइस बनाना है,
तो इसमें देखेंगे सब्जेक्ट हो गया हेल्पिंग वर्ब, ये वर्ब हो गया मेन वर्ब और ये ऑब्जेक्ट है। तो हमें लिखना है सबसे पहले आवर टीचर्स, आवर टीचर्स, उसके बाद क्या लिखोगे यही आर टू, आर टू, उसके बाद आपको लिखना है बी, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या लगाओगे सो का थर्ड फॉर्म सोन, सोन रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट हो गया, उसके बाद बाय अस, ओके इस तरह जो है मॉडल एग्री वर्ब का पैसिव आई सब लोग इस वीडियो में बनाना सीख गए। सपोज अभी मैंने बताया था कि अगर यहां पे जैसे अगर आ गया यू कैन, यू कैन हैव सॉल्वड दिस प्रॉब्लम, सॉल्वड अगर यहां पे हो गया होता तो आप इसका क्या ऐसे यूज बना, कैसे यूज करते हैं यहां पे कैन उसके बाद बी के स्थान पे बीन कर देते हैं, ओके अगर कैन हैव आता और वर्ब के थर्ड फॉर्म लगे रहते हैं तो वहां पे क्या यूज कर दोगे बीन का यूज करोगे। याद रखना इसका मैं जो है नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा उसमें बेहतर ढंग से समझाऊंगा, ओके अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ओके थैंक यू।